आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के क्षेत्रीय विधायक ने डग से चौमहला के बीच रोजाना के समीप बने टोल पर अवैध वसूली को लेकर विधानसभा में उठाया सवाल तथा जताई नाराजगी। पूरी सड़क नहीं बनाई फिर भी वसूला जा रहा पूरा टोल। क्षेत्रीय कालूराम मेघवाल ने बताया कि आरएसआरडीसी द्वारा डग गौशाला तिराहे से चौमहला मार्ग गंगाधार तक ही सड़क 16 किमी ही सड़क बना रखी है तथा मल्हारगंज से विलावली बाईपास की 4 किलोमीटर की सड़क अभी तक नहीं बनाई है, जबकि टोल द्वारा डग से चौमहला कुंडला चंबल नदी मध्य प्रदेश सीमा तक करीब 35 किमी का एक तरफ का 50 रू टोल वसूला जा रहा है, जो गलत है। विधायक ने सरकार से मांग की जब तक यह 4 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाई जाती तब तक यह टोल बंद किया जावे। रापाखेड़ी से मल्हारगंज बीच वाहनों के लिए कोई सड़क नहीं है, इसके बावजूद जबरदस्ती 15 किलोमीटर की हद वालों से भी 35 किलोमीटर का एक तरफ का टोल करीब 50 रुपए लिया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया है, अभी 15 विधानसभा का सप्तम सत्र में जो अतारांकित प्रश्न तारांकित मेरे पूरे हो गए थे, अतारांकित क्वेश्चन लगाया, उसमें मैंने लिखा है कि डग से लेके गौशाला तिराहे से लेके गंगधार तक ही मात्र इन्होंने रोड बनाया, मल्हारगंज से लेके रापाखेड़ी के बीच में कोई रोड नहीं बनाया, जबकि ये टोल ले रहे हैं डग से लेके कुंडला तक का, चंबल नदी तक का। तो ये टोल बंद होना चाहिए, क्योंकि मात्र डग से लेके गंगधार के बीच में 16 किलोमीटर या 15 किलोमीटर सड़क पड़ती है और ये करीब 30 से 35 किलोमीटर सड़क का टोल ले रहे हैं, तो ये अवैध टोल ले रहे हैं। राज्य सरकार से इसकी मैंने मांग करी कि टोल बंद हो और इन गरीब व्यक्तियों को, जो यहाँ की जनता को फायदा मिले। अब टोल एक आने का 50 रुपये, जाने का 50 रुपये, और जिस प्रकार से ये रोड नहीं बना तो टोल किस बात का। यह रोड इन्होंने चौमहला के बीच में होके हैंड ओवर किया पीडब्ल्यूडी वाला, जबकि यहाँ अंडर ब्रिज बन रहा है। अगर अंडर ब्रिज बन जाएगा तो बड़े वाहन यहाँ निकल नहीं सकते, बड़े वाहन आज भी नहीं निकल रहे हैं। ये टोल बिल्कुल अवैध है, ये रोजाना वाला टोल खत्म होना चाहिए, इसको लेके मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया है और हम लोग आगे मंत्री जी से भी बात करेंगे और इस रोड को बिल्कुल जब तक बाईपास नहीं बंद हो, जब तक बाईपास नहीं बने, जब तक ये टोल बंद होना चाहिए नियम के।